नमस्कार दोस्तों, चुप्पी तोड़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहब्बत की निशानी पर दावों की कहानी। मोहब्बत की निशानी आगरा का ताजमहल बरसों से यूं तो सात समंदर पार से भी प्रेमी जोड़ों को अपनी ओर खींचता रहा है, लेकिन अब इसने देश की राजनीतिज्ञों को भी अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। वे ताज की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने को ताज का राग अलापने लगे हैं। यही नहीं, इस पर हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबियों की मोहब्बत तो इतनी उमड़ने लगी है कि वे इसे अपने अपने धर्मों से जोड़ने की जुगत में जुट गए हैं। इस बीच पूर्व राजघरानों की प्यार मोहब्बत कहाँ चुकती, इसलिए उन्होंने भी इस पर मालिकाना हक जताकर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताज की खुद की हकीकत भी अब अजूबा बनने लगी है। विभिन्न पक्षों के दावों प्रतिदावों के बीच ताज का राज खुलने के बजाय दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। ताज के राज में ताजा एंट्री राजस्थान के तत्कालीन जयपुर राजघराने और मुगलिया सल्तनत के बारिशों की हुई है। जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी ने ताज पर अपना मालिकाना दावा ठोक कर न केवल दुनिया को चौंका दिया बल्कि ताजमहल के रहस्य को और अधिक राजदार बनाया। दिया फिलहाल राज संबंध से भाजपा की सांसद भी है, इसलिए ताज के मंदिर मस्जिद अथवा मकबरा होने के विवाद में भगवा राजनीति की जिंगारी को एक नई हवा मिली है। हालांकि दिया ने ताजमहल पर अपने परिवार की संपत्ति के दावे के पक्ष में कोई दस्तावेज तो पेश नहीं किए, लेकिन उन्होंने इस राज से जुड़े कागजात अदालत के कहने पर उसमें पेश करने की बात जरूर कही है। उन्होंने इसके दस्तावेज अपने पोथी खाने में मौजूद होने की बात भी कही है। दिया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर राज परिवार का पहले ही हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और जमीन ली तो राज परिवार उसका विरोध नहीं कर सका क्योंकि तब उनका शासन था। दिया कुमारी ने ताजमहल पर अपना हक तो जताया है, लेकिन वे नहीं चाहती कि ताजमहल को तोड़ा जाना चाहिए। उनका कहना है कि ताजमहल के बंद पड़े कमरों को खोला जाना चाहिए। इसके कुछ हिस्से लंबे वक्त से सील हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, इसे ये पता चले कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। आपको याद होगा इससे पहले ऐसा ही एक बयान 2017 में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था। उन्होंने दावा किया था कि जयपुर के महाराजा को शाहजहां ने मजबूर किया था। ताजमहल पर जयपुर राजघराने के मालिकाना हक के दावे के बाद तत्कालीन मुगलिया सल्तनत के वारिश कहाँ चुप रहने वाले थे। हैदराबाद के रहने वाले और खुद को शाहजहां का वंशज बताने वाले प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुशी ने दिया कुमारी के दावे को महज चीप पब्लिसिटी स्टंट बताया है। उन्होंने दिया कुमारी के ताजमहल के मालिकाना हक के दस्तावेज दिखाने का खुला चैलेंज किया है। प्रिंस तुशी ने कहा कि दिया कोई दस्तावेज दिखा दें तो मैं मान लूंगा यह केवल हवा में मारा गया तीर मुगल सल्तनत, फिर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आज़ाद भारत हुआ। इतने समय में आपको याद नहीं आया कि ताजमहल आपका है। मुगल साम्राज्य में 14 में से 9 रानियां राजपूत थी, तो हमारा ननिहाल भी है और आप हमारे रिश्तेदार थे। उन्होंने राजकुमारी दिया के दावे पर कहा कि अगर आप में एक कतरा भी राजपूताना खून है तो कागजात दिखाइए। उन्होंने कहा कि अभी एक भाजपा नेता ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है, कल को वो कहेंगे गुरुद्वारे चर्च की जांच करवाओ तो क्या होगा। मेरी देश की जनता से अपील है कि ऐसे लोग की पब्लिसिटी के लिए हिंदू और मुसलमान भाइयों में कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दिया जाए। वहीं राजकुमारी दिया को अपने मौसा मौसी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। गौरतलब है कि प्रिंस तुलसी खुद को मुगल बादशाह शाहजहां का वंशज मानते हैं। उनके अनुसार वो आखिरी यानी छठवीं पीढ़ी के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पोते हैं। उन्होंने कई वर्षों पहले अयोध्या की बाबरी मस्जिद और ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा किया था, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था। पहले उन्हें आगरा आगमन पर प्रोटोकॉल मिलता था,
लेकिन अब उर्स इंतजामिया कमेटी और पुरातत्व विभाग दोनों ही इसकी उपेक्षा करते हैं। हालांकि प्रिंस को ताजमहल आने पर सुरक्षा अभी भी मिलती है। प्रिंस दोषी ने माना कि हालांकि अब राजघराने जैसी व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्हें मुगलिया संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिला। प्रेम के प्रतीक के रूप में मशहूर ताजमहल का विवादों से नाता 70 के दशक में उस वक्त जुड़ा जब इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया कि ताजमहल एक मंदिर है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग समेत कई विशेषज्ञ इस तथ्य की जांच में जुट गए। इसके बाद मोहब्बत की एक इमारत हिंदू मुस्लिमों में बंटवारे की एक नई इबारत बन गई। इस विवाद की जद में 2015 में आगरा की सिविल कोर्ट में ताज को तेजो महल मंदिर घोषित करने की लेकर याचिका दायर की गई। साल 2017 में भाजपा सांसद विनय कटियार ने यूपी सरकार को ताज महल का नाम तेजो महल करने की मांग। वहीं अयोध्या के एक भाजपा नेता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका लगाकर ताज महल के उन 22 कमरों को खुलवाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे करवाने की मांग की, जो लंबे वक्त से बंद है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। ये साफ होना चाहिए कि वह शिव मंदिर है या मकबरा। अगर बंद दरवाजे खोलेंगे तो ये विवाद हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता भाजपा नेता को फटकार लगाते हुए ताजमहल के इतिहास की रिसर्च करने और PIL का दुरुपयोग नहीं करने की सलाह दी। लेकिन हाईकोर्ट की याचिका खारिज करने के बाद भी यह विवाद खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं। अयोध्या छावनी तपस्वी अखाड़े के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य को कुछ दिनों पहले ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई, इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। वहीं आगरा के एक हिंदूवादी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल को लेकर याचिका डालने का ऐलान किया है। दूसरी ओर PDP की चेयरमैन और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ताजमहल को लेकर BJP को एक बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इनमें दम है तो ताजमहल और लाल किला को मंदिर बनाकर दिखाएं। फिर देखते हैं कितने लोग भारत में इन्हें देखने आएंगे। महबूबा ने कहा कि मुगलों के वक्त जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे ताजमहल, मस्जिदें, किले, ये उन्हें बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर, साथ ही ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।